आज हम लोग मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मूल संकल्पना क्या होता है? मूल, सबसे पहले हम देखेंगे मूल क्या होता है। तो जैसे मूल एक संख्या है, मूल क्या है, ये संख्या है। जैसे दर्जन हो गया, ग्रॉस हो गया, तो ये जैसे एक संख्या है उसी तरह मूल भी क्या है, ये संख्या है। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, मतलब एक दर्जन में 12 संख्याएं होती हैं। एक दर्जन में कितनी संख्याएं होती हैं? 12 संख्या। उसी तरह अगर हम एक मोल लेते हैं, एक मोल, तो एक मोल मतलब मोल में होता है 6.02 × 10³। ये होता है मोल। जैसे एक दर्जन में 12 संख्याएं होती हैं, उसी तरह एक मोल में 6.02 × 10³ संख्या होता है। जैसे अगर एक दर्जन हम केला मांगते हैं तो 12 केले मिलते हैं, एक दर्जन पेंसिल मांगेंगे तो 12 पेंसिल मिलेगा। उसी तरह एक मोल, अगर हम एक कुछ भी चीज़ मांगते हैं कि मुझे एक मोल पेन दे दीजिए, एक मोल पेन अगर हम मांगेंगे तो मुझे कितना पेन मिलेगा? इतना पेन मिलेगा, 6.02 × 10³। ये हो गया एक मोल पेन। जैसे हम अगर मांगते हैं एक दर्जन पेन, तो एक दर्जन पेन में मुझे कितने पेन मिलेंगे? 12 पेन मिलेंगे। उसी तरह एक मोल मतलब एक मोल का मान कितना होता है? एक मोल मतलब ये जो मोल है, ये एक संख्या है जो कि कितना होता है, इसका मान 6.02 × 10³। तो अगर हम एक मोल पेन मांगते हैं, एक मोल पेन, तो मुझे कितने पेन मिलेंगे? इतने पेन मिलेंगे, 6.02 × 10³। तो अब आपको समझ आ गया कि एक मोल क्या होता है। एक मोल एक नंबर होता है। एक मोल क्या होता है? मोल, सीधे समझ लीजिए, मोल क्या होता है? एक नंबर होता है जिसका मान क्या होता है? 6.02 × 10³। अब ये मोल साइंस केमिस्ट्री में यूज आता है, मतलब साइंस की भाषा में आप कहो तो इसे अणु और परमाणु, किसी भी यौगिक में जो अणु है, अणुओं के अंदर कितने अणुओं से मिलकर बना है, उसके अंदर कितने भाग हैं, उसको मोल से नापा जाता है। मोल बहुत बहुत केमिस्ट्री की भाषा में अगर कहें, साइंस की भाषा में, तो बहुत छोटी इकाई है। लेकिन अगर बाहरी भागों में देखें इसको, बाहर की भाषा में, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए यहाँ पर बता देते हैं, एक मोल इक्वल क्या होता है? 6.02 × 10³। ये होता है, इसको अगर हम संख्या के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? 6.02, कितने जीरो लग जाएंगे? 23 जीरो लग जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये हो गया आपका एक मोल। इतनी बड़ी संख्या होती है एक मोल, कितनी बड़ी संख्या होती है? इतनी बड़ी संख्या होती है, ये होगा एक मोल, ठीक। तो ये साइंस की भाषा में बहुत छोटा संख्या है जो परमाणु और अणु और आयन को नापने के काम आता है, जबकि बाहरी भागों में देखें तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। आगे हम इसको परिभाषा के रूप में लिख देते हैं, मोल कुछ तो समझ में आया होगा मोल क्या होता है। तो मोल एक संख्या है, आप लिख दीजिए, जैसे जैसे आप बोलते हैं ऐसे लिख दीजिए, मोल एक संख्या है जो परमाणु, सबसे छोटा परमाणु होता है, परमाणु अणु एवं आयन की संख्या को प्रदर्शित करता है, संख्या को प्रदर्शित
करता है एक मोल इक्वल क्या होता है 6.02। ये 2 भी होता है लेकिन इसको छोटे रूप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 6.02 × 10³। ठीक, ये एक मोल हो गया। एक मोल इक्वल ये किस काम में आता है, जो जो किसी यौगिक होता है या जो कोई तत्व होता है उसमें जो परमाणु अणु और आयन होता है उनकी संख्याओं को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं एक मोल इक्वल क्या होता है 6.02 × 10³। पहले इसको समझ लेते हैं कि एक मोल इक्वल इतना होता है, एक मोल इक्वल इतना होता है, ये क्या दर्शाता है, परमाणु अणु एवं आयन की संख्या को प्रदर्शित करता है। परमाणु अणु एवं आयन, तो हम इसको लिख सकते हैं एक मोल हाइड्रोजन, एक मोल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक परमाणु है, अकेला है, तो अकेला है तो ये क्या है, ये परमाणु है, तो एक मोल हाइड्रोजन इक्वल हम क्या लिख सकते हैं 6.02 × 10³ - 10³। ये एक मोल, एक मोल का मान ही इतना होता है, चाहे हम इस एच की जगह कुछ भी रख लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन फास्फोरस पोटेशियम कुछ भी रखें, लेकिन अगर आपको एक मोल क्या मिले, एक मोल, तो एक मोल का मान इतना होता है। अगर हम ले लें एक मोल कार्बन, तो मुझे कितने कार्बन के परमाणु मिलेंगे, ये परमाणु है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए परमाणु, इतने परमाणु। अगर कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे 6.02 × 10³ परमाणु है, तो हम इसको क्या लिखेंगे परमाणु। ये हो गया, मतलब मोल के बारे में आपको समझना है कि मोल होता क्या है। मोल एक संख्या है जो कि अगर हम उसमें कार्बन मिले हाइड्रोजन मिले तो कितने उस कार्बन उस परमाणु में कितने जो हाइड्रोजन है उसके परमाणु में कितने भाग होंगे, कितने परमाणु होंगे, तो 0.6.02 × 10³। उसी तरह अगर हम ले लेंगे एक मोल H2, तो H2 क्या है, H2 अणु है, अकेला होता है, तो परमाणु होता है जब दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है अणु, तो इसमें दो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, दो, तो ये क्या है अणु है, क्या है अणु, तो इसका हम लिखेंगे 6.02 × 10³ अणु। ये अणु है तो ये अणु होगा क्योंकि एच टू है, एच टू क्या है अणु है, कुछ भी ले लीजिए आप एच सी पी एच, ये सब अणु परमाणु है, क्या है ये परमाणु, अगर इसी में 2 लग गया तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अणु हो जाएंगे, 3 लग गया 4 लग गया तो ये सब अणु हो जाएंगे। अणु क्या होते हैं, मतलब परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, तो ये हो गया अणु। ठीक, ये एक मोल के बारे में हो गया कि मोल कितना होता है, कितने अणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं। अब आगे हम देखते हैं मोल समीकरण, इसके आगे और कुछ भी आप ले सकते हैं, एक मोल पोटेशियम, पोटेशियम 6. मतलब कुछ भी आप लेंगे एक मोल, लेकिन आपको मिलेगा कितना, इतना ही मिलेगा, परमाणु है तो परमाणु लिख लीजिए ऐसा। जैसे आप लेते हैं एक मोल एच जल, एक मोल H2O, एक मोल H2O, तो आपको कितने अणु, H2O क्या है परमाणु, अणु है तो कितने अणु मिलेंगे 6.02 × 10³ अणु, अणु है ये अणु है। ठीक, H दो अणु है वो, तो ये अणु है तो कितने अणु मिलेंगे आपको, इतने अणु मिलेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं मोल समीकरण, आगे देखते हैं मोल समीकरण, मोल के बारे में तो समझ आ गया होगा, अब आगे देखते हैं मोल समीकरण क्या होता है, समीकरण। ठीक, मोल समीकरण क्या होता है, जैसे अगर मुझे लेना है एक मोल कार्बन इक्वल क्या होता है 6.02 × 10³ इक्वल, इसको हम आगे क्या लिखेंगे, अणु होगा तो परमाणु होगा, तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अणु होगा तो अणु द्रव्यमान, अणु ये होता है। ठीक, इस अब मोल समीकरण को ऐसे लिखा जाता है,
यहाँ पे लिख देते हैं अणु या परमाणु, परमाणु एवं अणु, और यहाँ क्या होगा परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान, यहाँ क्या होगा मोल। ठीक, यहाँ क्या मिलेगा आपको मोल मिलेगा। सबसे पहले समीकरण बनाया जाता है मोल समीकरण को, कि सबसे पहले मोल लिखेंगे, फिर उसके उस परमाणु के अंदर कितने परमाणु या अणु हैं, उसका परमाणु द्रव्यमान अणु द्रव्यमान। ठीक, अब हम आगे लिखते हैं एक मोल कार्बन, एक मोल कार्बन, एक मोल कार्बन में कितने परमाणु आएंगे, 6.02 × 10³। अब सबसे पहले हम कार्बन का क्या देखेंगे, कार्बन क्या है परमाणु है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, अणु रहेगा तो अणु द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक, अब इसके पहले हमको परमाणु द्रव्यमान तो पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं, अब बचा अणु द्रव्यमान, तो अणु द्रव्यमान क्या होता है एक बार देख लीजिए, आणविक द्रव्यमान, क्या बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी यौगिक, किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उसके उसके एक अणु में उपस्थित उसके एक अणु में उपस्थित परमाणु परमाणु के परमाणविक द्रव्यमान का योग होता है। ठीक, योग या किसी आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उसके एक अणु में उपस्थित उसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणविक द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान के योग का आधा योग होता है। जैसे H2SO4 का मुझे क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान, तो फार्मूला परिभाषा क्या बोलता है, किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उसके एक अणु जैसे क्या है H2, एक अणु में उपस्थित परमाणु के परमाणविक द्रव्यमान, एक अणु के उपस्थित परमाणु, जैसे एक अणु क्या है H2 है, H2 इसके में कितने परमाणु हैं, दो H के दो परमाणु हैं, तो इसमें लिख देंगे हम H2 का परमाणविक द्रव्यमान प्लस सल्फर का परमाणविक द्रव्यमान, ऐसे लिख देते हैं सल्फर का परमाणविक द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का ये हो गया H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, H2 का परमाणविक द्रव्यमान, H क्या है एक अणु है, H2 का परमाणविक द्रव्यमान या लिख लीजिए H, सिंपल सा H2 एक अणु है जिसका H का परमाणविक द्रव्यमान प्लस S का परमाणविक द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान सबका योग क्या होगा आणविक द्रव्यमान, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे H का परमाणविक द्रव्यमान, H का परमाणविक द्रव्यमान कुछ कॉमन चीज है जिसका द्रव्यमान याद रखना चाहिए, H जैसे H का 1 होता है और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 8, 16, नाइट्रोजन का 22,
अब ये जैसे कुछ चीज याद रखना है आपको, तो एच का परमाणु द्रव्यमान एक एच का क्या होता है, एक, तो कितने एच है इसमें, दो एच है, तो दो एच का क्या हो जाएगा, दो प्लस 16 × 32। या सल्फर का क्या होता है, 32। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 16 × 32 उसका क्या हो जाएगा, परमाणविक द्रव्यमान हो जाएगा। आप सबको हम जोड़ देंगे तो हो गया 4 × 4 = 6 × 2 = 8 और 6 × 3 = 9। ये क्या हो गया, H2SO4 का परमाणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान ग्राम में लिखा जाता है। ये हो गया H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान। जैसे हम ले लेते हैं H2O का, H2O ऑक्सीजन का, H का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, एक, दो एच है तो दो, प्लस ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2 = 18। जल का परमाणु द्रव्यमान कितना निकल गया, 18। इसी तरह किसी भी यौगिक या किसी भी अणु या परमाणु का हम परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। एक, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 मोल कार्बन। अब कार्बन का क्या होता है, अब परमाणु द्रव्यमान अणु आणविक द्रव्यमान तो समझ में आ गया आपको, तो 1 मोल कार्बन का आणविक, ये क्या है, परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, तो 1 मोल कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। उसी तरह हम आगे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 6.02 × 10²³। 1 मोल का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। ठीक, आगे हम निकालेंगे किसी भी चीज़, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 मोल, 1 मोल H2 का निकाल लीजिए आप, 1 मोल H2, तो इसका क्या हो जाएगा, 6.02 × 10²³ इक्वल एक एच का एक, तो दो एच का 2 ग्राम। ठीक, आगे आपको किसका निकालना है, 1 मोल सल्फर ले लीजिए, 1 मोल सल्फर, तो 1 मोल सल्फर 6.02 × 10²³ सल्फर का क्या होता है, 16 × 32 ग्राम। ठीक, ये हो गया। अब आगे ले लेते हैं 1 मोल H2O, 1 मोल H2O तो हो जाएगा 6.02 × 10²³। H2O का क्या होता है, एक एच का एक तो दो एच का दो, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, 16, तो 16 + 2 × क्या होता है, 18 ग्राम। कुछ क्वेश्चन है मोल निकालने का। पहला क्वेश्चन है, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, जल के कितने मोल हैं, ये क्वेश्चन है। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, अब किसके बारे में पूछा है, सबसे पहले तो हम देखेंगे जल, इसके बारे में बोला है जल। अब कितने ग्राम जल है, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, अब मुझे ज्ञात क्या करना है, कितने मोल हैं। सबसे पहले हम मोल समीकरण लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मोल इक्वेशन या मोल समीकरण, मोल समीकरण। अब लिखेंगे क्या है, जल है तो हम लिखेंगे 1 मोल H2O, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, 1 मोल H2O बराबर 6.02 × 10²³। अब इसका क्या निकालते हैं आगे, परमाणु या आणविक द्रव्यमान, तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 + 16 = 18 ग्राम। अब बोला है 36 ग्राम जल, कितने ग्राम जल, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। अब हम देखेंगे 36 ग्राम जल, अब देखेंगे 18 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, कितने मोल हैं 18 ग्राम जल। सबसे पहले हम इस 36 ग्राम जल में जल के कितने, ये क्वेश्चन है, 1 मोल H2O, 1 मोल जल में कितने ग्राम है, 18 ग्राम है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 18 ग्राम H2O में कितने मोल हैं, 1 मोल है, लिख सकते हैं 18 ग्राम जल में 1 मोल है, तो 36 ग्राम जल में कितने मोल आएंगे, तो लिख लेंगे यहाँ 36 ग्राम H2O में 36/18, 36/18, ऐसे ही आप बता सकते हो कि 1 मोल में 18 ग्राम है,
एक मोल में 18 ग्राम, तो 36 ग्राम में 18 का 2 गुना 36 है, तो इसको हम क्या ले, 18 दुना 36 दो मोल आ जाएंगे। लेकिन ये मतलब इस तरह हल करने का तरीका है, एक मोल H2O, एक मोल का 18 ग्राम है, एक मोल 18 ग्राम मतलब 18 ग्राम में एक मोल, 18 ग्राम में एक मोल, तो 36 ग्राम में क्या हो जाएगा, 36 बटे 18, तो 18 दुना 36 कितने मोल आ गए, दो मोल जल, दो मोल जल आ गया। ये एक बार फिर देख लीजिए, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। सबसे पहले हम मोल समीकरण लिखेंगे, तो मोल समीकरण क्या है, एक मोल H2O जल के बारे में बात किया है, तो H2O बराबर 6.02 इंटू 10^23 इक्वल 18। 18 क्या है, उसका आणविक द्रव्यमान है, H का 1 तो 2, H का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 = 18। अब बोला है कि एक मोल में कितने ग्राम है, 18 ग्राम, इसको हमें क्या पूछा है, मोल पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, 18 ग्राम H2O कितने मोल है, एक मोल, 18 ग्राम में एक मोल, तो 36 ग्राम में आप अनुमान भी लगा सकते हो कि 18 × 36, 36 ग्राम में 2 होगा, लेकिन आपको हल कैसे करना है, 36 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा, 36 बटे 18, 18 × 18 = 36 कितने मोल आ गए, कितने जल के मोल आ गए, दो मोल जल के जल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं। ठीक, सिम संख्या वही है, सिर्फ इसमें क्या बोला है, इसमें पूछा था कितने मोल है, इसमें पूछा है कितने अणु है। अब कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है, इसमें यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इसकी बात किया था, अब इसमें मोल से जल से, जल से मतलब ग्राम से कहाँ बात कर रहा है, अणु की बात कर रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो मोल समीकरण लिख लेंगे, मोल समीकरण क्या है, जल ही है तो 1 मोल एक मोल H2O इक्वल 6.02 इंटू 10^23 जल का है तो 18 ग्राम आएगा। ठीक, अब बोला है इतने मोल H2O, अब इससे आपको मतलब नहीं है, मोल यहाँ पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है, 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं, इसके इसका और इसका इन दोनों का आपस में संबंध है, तो 18 ग्राम में कितने अणु हैं, इतने अणु है, लिख सकते हैं आप 18 ग्राम जल के अणु में, 18 ग्राम जल में कितने अणु है, 6.02 इंटू 10^23 अणु है। अब कितने ग्राम जल में पूछा है, 36 ग्राम, तो सबसे पहले तो हम 1 ग्राम का निकालेंगे, जैसे एक एक नियम का आप सवाल करते हो कि एक पेन का मूल 5 रुपये है, तो 2 पेन का 5 × 10, या फिर 2 पेन का 10 रुपये है, 2 पेन का मूल्य कितने रुपए है, 10 रुपये है, तो 1 पेन का हो जाएगा 5 रुपये। ठीक, अगर इसी के आगे बोल दे कि 4 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 5 × 4 = 20 रुपये। इसी तरह ये सवाल आपको करना है, 18 ग्राम H2O में इतने अणु हैं, जल के कितने अणु हैं, इतने अणु हैं। अब सबसे पहले हम 1 ग्राम का निकालेंगे, तब तो 36 ग्राम का निकाल पाएंगे, तो लिखेंगे 1 ग्राम H2O में कितने अणु आएंगे, 6.02 इंटू 10^23/18, ये हो गया 1 ग्राम, कितने ग्राम का, 1 ग्राम का। मुझे कितने ग्राम का निकालना है, 36 ग्राम का, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 ग्राम जल में कितने, 36 ग्राम जल में कितने अणु आएंगे, 6.02 इंटू 10^23/18 इंटू 36। जैसे आप सिंपल सा जैसे ये किए हैं उसी तरह आप इसको कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 18 × 18 = 36 कट गया, बचा क्या, ये बचा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 4 = 0, 2 × 6 = 12, 12.02 इंटू 10^23 अणु। ठीक, ये हो गया आपका, 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं, 12.04 इंटू 10^23, ये हो गया। इसमें
पहले सवाल में आपको मोल पूछा था, इसमें क्या पूछा है, जल का अणु पूछा है। तो जो मतलब सबसे पहले हम उसके सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे कि पूछा क्या है, अणु पूछा है, द्रव्यमान पूछा है या मोल पूछा है। इसके बाद हम उस समीकरण को लिखेंगे। समीकरण लिखने के बाद फिर आगे हम फिर से एक बार देख लीजिए, एक मोल H2O में कितने अणु हैं, तो इतने अणु, ये तो मोल समीकरण ही है, इतना है। अब बोला है कि 18, अब यहाँ मुझे क्या पूछा है, ग्राम, ग्राम और अणु का कनेक्शन है सीधा, ग्राम से अणु, ग्राम से अणु, तो 18 ग्राम जल में कितने अणु हैं, इतने अणु। तो सबसे पहले एक ग्राम जल का निकालेंगे, तो एक ग्राम में इतना बटे इतना हो जाएगा, ठीक। अब कितने ग्राम का पूछा है, 36 ग्राम का, तो उड़े 36 काट देंगे, 18 × 18 × 36 कितना आ गया, इतना इतना अणु मिल गया। अब मुझे तो ये इस सवाल में मुझे ये निकालना था, अब इस सवाल में क्या है, ये दिया हुआ है, निकालना क्या है, मोल, क्या निकालना है, मोल पूछा है, ये मोल पूछा है। यहाँ तो हमको ग्राम निकालना था, अब यहाँ जैसे इसमें ग्राम दिया था तो अणु पूछा था, इसमें अणु दिया है तो क्या पूछा है, मोल पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल समीकरण लिखेंगे, एक मोल H2O, एक मोल H2O इक्वल, समीकरण मोल समीकरण है, 0.2 × 10³ इक्वल जल का क्या होता है, 18 ग्राम। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे क्या पूछा है, इतने अणु में कितना अणु, 12.04 × 10³ अणु में जल के कितने मोल बनेंगे। अब सीधा किसका कनेक्शन है, इसका, इसका, इन दोनों को, इसको छोड़ देना है फिलहाल, इसको अभी छोड़ देना है, मुझे किस इन दोनों से मतलब है, ठीक। तो एक मोल H2O में इतने अणु हैं, तो इतने अणु में, इतने अणु में जल के कितने मोल होंगे, तो एक मोल में इतना, तो इतने मोल में क्या करेंगे, इतना बाई इतना डिवाइड कर देंगे, 12.04 × 10³, ठीक। इतना अणु है, पूछा क्या है, मोल, तो सीधा आप निकाल सकते हैं कि ये एक मोल में इतना होता है, तो इतने अणु में, इतने अणु में कितने मोल आएंगे, तो आप लिखेंगे 12 × 04 × 10³ डिवाइड बाय 602 × 10³ आपका ये कट जाएगा, क्या आया, 2 मोल, क्या निकल गया, 2 मोल जल के, जल होगा।